आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी विद बटर नान, गार्लिक नान, रोटी, लच्छा पराठा सब दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एक सरिया लेंगे, इसमें ये सासलिक है, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम है, इसको इसके साथ लगा देंगे, मिक्स करो। ये हमारे शेफ हैं तंदूर के शेफ, ये लगाएंगे, फटाफट लगाओ। सो इस तरह से कुछ सरिया में लगा देना है, इसके बाद डायरेक्ट तंदूर में इसको रोस्ट कर लेंगे। हाँ खोल दो। सो गाइस तंदूर में चला गया, 5 से 7 मिनट लगेंगे, जब तक रोस्ट होता तब तक हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये रखा हमने पैन, थोड़ा सा डालेंगे तेल, एकदम अलग अलग स्टाइल बता रहा हूँ गाइस। ऑलरेडी मैंने पनीर टिक्का मसाले का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे चैनल शेफ सुनील सिंह। तेल जैसे हल्का सा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे थोड़ा जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक भुन जाएगा जैसे ही, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें चौप मसाला। मेरा चौप मसाला इसका भी वीडियो बनाया हुआ हमें, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद थोड़ा मसाले डालेंगे, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर से थोड़ी देर भून लेंगे इसको। इसमें ग्रेवी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा येलो ग्रेवी, येलो ग्रेवी से थोड़ा ज़्यादा टमाटर ग्रेवी, थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ा इसमें पानी भी इस्तेमाल करेंगे, इसी का तेल ऊपर आने लग गया है, आपको दिख रहा होगा। अब इस स्टेज में जो हमने यहाँ पे पनीर टिक्का रोस्ट करने डाला होता है, देखते हैं तंदूर में पका कि नहीं। सो गाइस तंदूर पनीर टिक्का बन के तैयार हो चुका हमारा, आपने देखा होगा। ज़्यादा ऊपर रोस्ट नहीं करना है इसे, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में पकाना है। शेफ अंकित इसको निकालेंगे एक प्लेट में, इस तरह से साफ करके। सो गाइस पनीर टिक्का रेडी है हमारा, इसमें हमने सासलिक भी लगाए हुए हैं। अब इसको बाइट कर लेंगे ऐसे, जैसे कुछ इस तरह से। अब इसे डायरेक्ट ऐड कर लेंगे ग्रेवी में, ये जो ग्रेवी हमने पनीर टिक्का मसाले की बना के रखी थी इसमें ऐड कर लेंगे। सो गाइस थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ड्राई कसूरी मेथी पाउडर, पिंच ऑफ कसूरी मेथी पाउडर, पिंच ऑफ गरम मसाला, साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक की लच्छी ये ज़रूर डालें, थोड़ा सा बटर, साथ में ये डाल दिया हमने 2 बड़े चम्मच आइस क्रीम के। फाइनली इसको मिक्स कर लेते हैं, पनीर टिक्का मसाला बन के हमारा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। सो पनीर टिक्का मसाला बन के तैयार हो चुका है हमारा, इसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक पोर्शन बॉल है, इसमें डालेंगे, आधा डालेंगे इसमें। ये हो गया जी, धनिया, थोड़ा सा अदरक के लच्छे,
थोड़ा सा क्रीम, ये हो गया हमारा पनीर टिक्का मसाला। सो गाइस ये है पिकअप काउंटर, पिकअप काउंटर में रख दिया हमने। पनीर टिक्का मसाला बन के तैयार हो चुका है, अब चलते हैं ब्रेड के साइड। पेड़ा काटेंगे, बटर नान का पेड़ा है, पेड़ों को इस तरह से मार लेंगे। ये लो पेड़े बनके तैयार हो चुके हमारे। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ी देर पेड़ों को रेस्ट करने रख देंगे ताकि थोड़ा ढीला हो जाएगा तो नान रोटी मारने में इजी हो जाए। ऐसे ही हम रोटी का भी पेड़ा बना के रख देंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा नान रोटी का पेड़ा, भी सॉफ्ट हो चुका है। ये रोटी का पेड़ा भी मार के रखा था मैंने ऑलरेडी, ठीक है। गार्लिक है, ये हरा धनिया है, कलौंजी है, अनियन सीड, और यहाँ पर ये सूखा मैदा। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले पेड़ा मारते हैं बटर नान का। बटर नान का पेड़ा मारने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है आप लच्छा में दें, दूसरा है आप सिंपली इस तरह से इसमें पहले ऑयल लगाएं, इस तरह से रख दें, आधा मैदा उस पर चिपका दें, फिर इस तरह से फोल्ड कर दें, फिर यहाँ पे इस तरह से चौड़ा कर दें थोड़ा सा नान, फिर ऑयल लगाएं, अगेन इस तरह से हाफ मैदा लगाएं, फिर से फोल्ड कर दें। ये हो गया बटर नान का पेड़ा, सिंपल। अब गार्लिक नान में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गार्लिक नान सिंपल पेड़ा ही है। अब मारते हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा रोटी से थोड़ा बड़ा साइज होता है, तो हम दो रोटी का पेड़ा ले रहे हैं। अब इसको इस तरह से फैला लेंगे। अगेन एक टेक्निक होता है, जब हम होटल लेन में आते हैं तो ये सब चीज़ें सीखना पड़ता है, रोटी नान कैसे पीटें। इसी गाइस इस तरह से इसको फैला लें, इस पर भी इस तरह से तेल लगा लेंगे, फिर इस तरह से इसको आटे में डिप करेंगे, फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। यू सी गाइस, ये हो गया लच्छा पराठा। फोल्ड करते रहे एंड मोमेंट में इसको नीचे इस तरह से लगा देंगे। ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि जो लच्छे अच्छे से खुल जाए। इस तरह से पटकेंगे, ये हो गया हमारा लच्छा पराठा का पेड़ा। सिंपल गार्लिक नान है, गार्लिक नान में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से इसको फैलाएंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक, यू सी, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे अनियन सीड। ये हो गया हमारा गार्लिक नान। एक रोटी है, रोटी भी मार रहा हूँ, तंदूर की रोटी, एक तंदूर रोटी का पेड़ा रेडी किया है। अगर आपको चीज़ नान बनाना तो चीज़ नान भी बनाया जाता है। ये मेरे पास ग्रेट किया हुआ चीज़ है, इसको सिंपली नान के अंदर भरेंगे ऐसे, उसके बाद इस तरह से इसको कवर कर लेंगे, सील कर देंगे। इसी गाइस ये हो गया चीज़ नान का पेड़ा। थोड़ा सा डस्ट डालेंगे, ऑयल, थोड़ा सा इसमें धनिया धनिया लगा देंगे, चाहे मत लगाओ, थोड़ा कलौंजी सीड। ये हो गया पेड़ा, चीज़ नान का पेड़ा। अगर कुलचा बनाना है तो कुलचा का थोड़ा साइड छोटा रहता है, तो इसी को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। मैं यहाँ पे प्लेन कुलचा बना रहा हूँ। अगर आप स्टफिंग कुलचा बनाना तो इसमें कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कि ऑनियन हो गया, आलू हो गया, पनीर हो गया, जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप इसमें स्टफ कर सकते हैं। फिलहाल प्लेन कुलचा सिंपली कलौंजी, थोड़ा हरा धनिया, आप चाहिए तो इसके ऊपर से चॉप ग्रीन चिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रीन चिल्ली कुलचा हो जाएगा। ये हो गया पेड़े की तैयारी। अब सिंपली हम यहाँ पे तंदूर मेरा गरम है ऑलरेडी ब्रेड लगाने लायक, उसको ओपन करूँगा। इसी गाइस इस एक बार इसको क्लीन कर लेंगे, नीचे कई बार इसमें डस्ट रहता है। तंदूर हमारा क्लीन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा बटर नान। ये हो गया बटर नान,
इस तरह से इसको फैला लेंगे। अब इसको ऐसे पटकेंगे। ये सी गाइस, ये बटर नान बन के तैयार है। कम ऑन, वे तंदूर में ये है गद्दी में लगाया सिंपली इस तरह से इसको। ए देखो, आपने देखा होगा मैंने लगा दिया अंदर। से लग गया हमारा बटर नान। दूसरा हमारा गार्लिक नान को भी इस तरह से फैलाएंगे। फैलाया। ये देखो गाइस, ये हो गया हमारा गार्लिक नान। इसको भी लगा देंगे इसी। ये गार्लिक नान भी लग गया हमारा। तीसरा हमारा लच्छा पराठा को भी इस तरह से फैला लेंगे। साथ ही साथ अंदर भी देखना पड़ता है। ये देखो, ये हो गया लच्छा पराठा। इसको भी अंदर लगा देंगे। सिंपली यहाँ से लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो हमारा जो नान है बटर नान बनके तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं। इसे गाइस, ये बटर नान है, ये बनके तैयार हो चुका है। साथ ही साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं कुलचा। कुलचा को भी सेम ट्राई करना है। ये हो गया कुलचा। इसको भी अंदर है, इसको भी फैला लेंगे। यहाँ पे तब तक हम गार्लिक नान भी हो चुका है। ये है गार्लिक नान। गार्लिक नान, बटर नान बना रहे हैं हमें। चीज़ नान थोड़ा क्रिटिकल होता है बनाने को, कई बार चीज़ बाहर निकल जाता है। इसको काफ़ी सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है गाइस। इसे यहाँ लगा देते हैं इसको, ठीक है। लास्ट रह गया हमारा रोटी, तंदूरी रोटी। दूसरे साइड थोड़ा हमारा यहाँ पे ब्रेड भी तैयार हो चुका है। ये था कुलचा, ये था लच्छा पराठा। इसे गाइस, लच्छा पराठा, कुलचा, बटर नान, गार्लिक नान, चीज नान हमारा अंदर है। अब रोटी भी लगा लेंगे। ये हो गया तंदूरी रोटी। तैयारी कर लेते हैं। ये कुलचा है, चाहिए तो बटर लगा के खाइए, चाहिए तो सिंपली खाइए। बास्केट में लगा दिया। यह है बटर नान। बटर नान ऐसे भी खोलते हैं इस तरह से। पहले अंदर बटर लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर इसमें भी बटर लगाएंगे। इसी गाइस, चारों तरफ से बटर लगा लेंगे। नान को काट लेंगे, ऐसे काटो चाहे सिंपली काटो। ये लो, ये हो गया बटर नान। एक साइड पर बटर लगा लेंगे हल्का। इसी गाइस, ऐसा इसको तोड़ लेंगे ताकि जो लच्छे हैं वो अच्छे से निकल जाएँ। उसे दूसरा बास्केट लिया है, इसमें गया तुम्हारा लच्छा पराठा। ये हो गया लच्छा पराठा। तीसरा है गार्लिक नान। एक गार्लिक नान भी इस तरह से काट लेंगे। वो चीज़ नान भी निकाल दो है अंदर से। हो गया ना चीज नान है, या बटर जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से। एक बास्केट और देना प्लीज़। ये चीज़ नान भी बनके तैयार हो चुका है हमारा। इसे भी काट लेते हैं, बटर लगाएंगे। चाहे तो प्लेन का भी आप प्लेन भी खा सकते हैं, मैं फ़िलहाल बटर लगा रहा हूँ। यह लो जी, ये चीज़ नान हो गया। सी, ये हो गए तीन तरह के, चार, कितना टाइप की ब्रेड दिखा दिया। चीज नान, गार्लिक नान, लच्छा पराठा, कुलचा, बटर नान, प्लेन रोटी। सो ब्रेड तो हो गया हमारा डन। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, रोटी, बटर नान, कुलचा, बटर कुलचा, लच्छा पराठा, गार्लिक नान, चीज नान, साथ में ये है ग्रेवी। ये दोनों हो गया पनीर टिक्का मसाले की ग्रेवी। तो इस तरह से आप ब्रेड का जो
पूरा फॉर्मूला है तंदूर में कि आप एक सिंपल ब्रेड से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, मैदा से हो या आटे से हो। इस तरह से मैंने वैरायटी बता दी है आपको, 6 टाइप की ब्रेड्स। इसमें बहुत सारी वैरायटी आप बना सकते हैं अपने आराम से किचन में, और ये जो पनीर टिक्का मसाला बनाया है इसके साथ आप डिश का एंजॉय कर सकते हैं। हो गया।